मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के निर्देश अनुसार धर्मपुरी क्षेत्र विधायक पाचीलाल मेड़ा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मपुरी द्वारा आज शनिवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तहसील कार्यालय के बाहर गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों एवं किसानों द्वारा कानूनों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों पर भाजपा सरकार के रवैये के विरोध में धरना एवं महामहिम राज्यपाल के नाम संबंधित ज्ञापन धर्मपुरी तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य को सौंपा। ज्ञापन का वाचन संजय सोनी ने किया। उक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेड़ा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शब्बीर पहलवान एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए सैयद जफर अली की रिपोर्ट। आज ज्ञापन इस उद्देश्य से दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काला कानून किसानों के विपक्ष में बनाया है, इस कानून के खिलाफ हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठों के साथ में दिया है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो इस कोविड के संकट के समय इन्होंने जो गैस सिलेंडर घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों के जो दाम बढ़ाए उसके विरोध में और डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए हैं इस विरोध में आज कांग्रेस पार्टी में धरना दिया है और जो दिल्ली में हमारे किसान साथी बैठे हैं उनके समर्थन में। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आगे भी जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता जो भी हमको आदेश करेंगे उनके निर्देशों का पूरा पालन करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।